दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। इस वेले पंजाब दे विच मुद्दा किसानी का सब तो ज़्यादा गूंज रहा। लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे ने, किसान अपनियां मंगां मनवाउण नूं लैके बजिद ने, और उधरों केंद्र सरकार दे नाल भी फिलहाल कोई गलबात नहीं हो सकी है। सवाल सारयां दे पंजाब भाजपा ते ने, और नज़रां पंजाब भाजपा ते टिकियां होईयां ने कि पंजाब भाजपा की कर रही है, वो क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लै रही। पिछले दिन ही कुछ आवाज़ा उठिया ने, और खास तौर पर जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी और कमेटी के चेयरमैन सुरजीत कुमार जैनी उन्हां वल्लों ठोक के गल कही गई है कि बिल्कुल किसानों की गल सुनी जानी चाहिए है और कितने ना कितने कमी रही है। जैनी साहब साढ़े नाल ने गलबात कर ली। जैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है। तुसी पिछले दिन ही जोरदार आवाज उठाई और उस दे विच साफ तौर पर कहा कि किसानों की गल सुनी जानी चाहिए है। तुसी चेयरमैन तुहाडी अध्यक्षता च कमेटी बनी, तुहाडी प्रधानगी च कमेटी बनी, फिर भी गलबात नहीं हो सकी, कमी कित्थे रही? देखो पंजाब दे विच मीडिया राय और आम आवाम दे विच एक गल बन गई जी कि सेंटर सरकार साड़ी गल सुन नहीं रही। गल जिहड़ी है मीडिया राय ही सुनाई जाती है। असीं सारे टैलीविजन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और वो देख के पढ़ के असीं छोटी जी खबर के पिछे भी असीं उस दे चले जाते हैं जी। तो मेरा यह कहना सीगा कि वाकई लगता है सरकार गल सुन नहीं रही। मीडिया जिहड़ा रो और ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम हो गया, जिथे ट्रेना नु अज 45 दिन दे लगभग बंद होई नु हो गया, बिल्कुल आम आवाम ठप है, सारा दे सारा सिस्टम जिहड़ा है हाहाकार मची हुई है। तो वो सेंटर सरकार दी साडी जिम्मेवारी, तो सेंटर सरकार साडी बनदी है ना जी, ठीक है। तो यह गल होनी चाहिए सी और गल दी सुनाई होनी चाहिए सी। नहीं फिर कमी किथे रही? कमी ये रही बैन च। हुण मैं कल गया साडे लीडर नाल, मैं गल कीती है सारी, यही पुछया मैं, तो उन्हां दा कहना सी भी इक तां करोना, इक बिहार दे चुनाव, साडा ध्यान ज़्यादा बिहार के चुनाव के विच टिकटां देनिया और देनिया उत्थे प्रचार करना, जिहड़े लीडर मैन लीडर ने गल सुननी होंदी है, ठीक है। तो इस करके थोड़ी डिले होगी। और जदों मैं गल कही बजे रो अपनी पार्टी के विच कि भी गल दी सुनाई नहीं हो रही, तो मैं इत्थे कल परसों मीटिंग बुला के मैंने सद्या गया, और अश्विनी शर्मा जी ने और साडे दिनेश जी ने और साडे पार्टी जिने लीडर ने, उन्होंने कहा भी तुसी जिहड़ी ये गल कही है ते तुसी दसो की महसूस करदे हो। मैं कहा जी सवाल है भी है तुहानू कहणी क्यों पई, कहणी मैं कहणी पई एक सीनियर लीडर नूं आके अपनी ही पार्टी दे संदर्भ दे विच तुसी इत्थों तक कहा कि साडी पार्टी च चमचे ने जिहड़े सही तरीके नाल गल नहीं पहुंचाउंदे? नहीं हां इह गल तां मैं देखो जिहड़े कुछ लोग पार्टी दे विच नहीं कई लोग होंदे ने जिन्हां नूं की है कि पॉलिसी मारन दी आदत होंदी है, असली पिक्चर नहीं दिखांदे। हर समाज दे विच भी है, हर एक पार्टियां दे विच भी होंदे है। तो वो लोग जाके कहंदे है जी बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, ये जिहड़े मतलब पंजाब दे विच अज गल हो रही है ये किसानां दी नहीं है, ये कांग्रेस दी है, अकाली दल दी है, आम आदमी पार्टी दी है। तो साडे फिर वो लड़ाई जिहड़ी है पार्टियां च रह जांदी है। असली मुद्दा जिहड़ा है उहदे तक किसानां दा सी, किसानां ते आ नहीं रहा सीगा, ठीक है। तां मैनूं इह गल करनी पई और करनी भी चाहीदी सी। देखो आप अपने परिवार दे विच अपने आंकां नूं अपने नेतावां नूं जे अगर देखो असीं पॉलिसी मार दे रही है तां असीं ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3:30 ਵਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਭੇਜੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਚਿੰਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ 3:30 ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਜਾਓ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, 20-25 ਮਿੰਟ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
आप मेरे से नाराज क्यों, मेरे से क्यों नाराज हो, हम तो भाई हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जो कोई रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर करके नहीं, मैं किसान के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, और आपकी जो भी समस्या जो बात है हम रल बैठ के मिल के करेंगे, और मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप जिन लोगों को बात करने के लिए लेके आना चाह रहे हो वो लिस्ट में भेज दो, मेरे घर पे बैठेंगे और दो चार मतलब घंटे लगा के और किसानों के बारे में एक समस्या नहीं है और भी कोई समस्या की उस पर विचार करके और हम इसको हल करेंगे। किसानों ने कोई रिस्पोंड किया हूं तक क्यों अगले दिन आज मिलेंगे मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे, वो भी 30 जथेबंदियां वो कितना है, फिर राजावाल जी ने कहा भी सानू थोड़ा कदों आ जाइए, दो एक गला आई दो, उन्होंने कहा आप तो अभी आ जाओ, अभी नहीं आ सकते, हमारे बुए गेट किसानों के लिए खुले, अब जब आना चाहो हमें लिस्ट भेज दो कौन किन किन लोगों ने आना, प्रॉपर बुलाया जाएगा ना जैसे फिर ही होंगे, क्योंकि किसान ना तुसी देख लिया पिछले दिनों च खास तौर पे जिहड़ी पहली मीटिंग हुई है वो पहली मीटिंग जिहड़ी है उहदे च कोऑर्डिनेशन की कमी रही, वो तुसी भी समझदे होंगे कि उहदे विच कोऑर्डिनेशन की कमी रही, इस तों बाद किसानां दी नाराजगी हुई, देखो उहदे विच जथेबंदियां जिहड़ियां है उहनां नाल मैं टेलीफोन ते गल कीती, मैं बड़ी प्रार्थना कीती, मैं कहा साडे नाल बैठ जाओ आओ साडे नूं सानूं विचाले लै लो और असीं जाके, और कहिंदे जी कौन बैठेगा की बैठेगा, मैं कहा जी तुसीं सानूं इक वार साडे नाल बैठो और सानूं विच असीं जाके गल करके तुहाडा पूरा बंदोबस्त करके सानूं लै के जावांगे और सारी गल करा के जावांगे, उहनां दा इक्को जवाब सी वी असीं किसे पार्टी नाल गल नहीं करनी, सानूं तां चिट्ठी भेज दिओ। जो एक सेंटर जो तोमर साहब गल कर रहे थे जो मतलब असि फिर आई कहना सी भी ये पार्टी ना साडे नाल बैठना नहीं चाहते, यानी यानी जे किसानों ने कहा भी असी नहीं करनी तो अगो केंद्र ने भी एटीट्यूड दिखाया कि फिर असी अफसरां नाल वा देंगे, नहीं नहीं वो अगर नहीं है उन्होंने कहा भी ठीक है फिर तुहाडे नाल गल करके या तुहाडे नाल नहीं आना चाहते फिर असी विच फिर अफसर ही पाने जी और की, उन्होंने कहा फिर असी अफसरां नाल गल करके तुहानू विच करके असी किसानां नाल गल कर लैंदे आ, जदों इत्थे किथे गलती रही उत्थे जिहड़ा उन्होंने अफसर की किसी की ड्यूटी लाई उन्होंने इहदे नाल गल कीती उह तां कहिंदे असी स्पष्ट कहा सी भी पहली मीटिंग तुहाडी सैकटरी नाल होनी है और सैकटरी नाल सैटिंग होने के बाद तुहाडे नाल मंत्री नाल बिठाया जाएगा, उह तां कल असी जदों गल पुछी ना तां उन्होंने गल सारी दसी, तदों कोई गल नहीं जिहड़ी गई गल गई वो गल नहीं मुड़दी, चलो किसे दी गलती रही किसे तरह रही कोई गल नहीं, असी आपां असल तां हुण सवाल इह है वी इस गल नूं सिरे किवें लाउणा है, हुण जिहड़े है राजनाथ जी ने और तोमर जी ने असी गल की वह कहते जी कदे ही आ जाओ, असी फिर इन्होंने गल की कहते सू तीन चार दिन टाइम दौ, तीन चार दिन के सारी जथेबंदियां इकट्ठी करके और असी फिर तुम तारीख दे देंगे और तुम सू चिट्ठी कटवा दिया जी असी मीटिंग कर लेंगे, ये गल हुई है हूँ इन्हों है साढ़े मोदी साहब नहीं हूँ हूँ जैरी साहब ये श्योर है भी जे अगली मीटिंग होंगी है तो वह राजनाथ सिंह नरेंद्र सिंह तोमर जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बैठे रेलवे मिनिस्टर नाल बैठू रेलवे मिनिस्टर और राजनाथ जी ने उन्होंने कहता कि किसानों ने पंजाब जी ने आना भाई तोमर साहब रेलवे मिनिस्टर मैं आप तीनों इन्हों की बड़ी आराम गल सुन पर जैनी साहब सवाल एक होर है तुम मिल के आए हो चलो कोशिश चंगी है तुसी एक किसान हो और बीजेपी दे विच बहुत घट किसान चेहरे ने सो तुसी जेड़ा इस वेले केंद्र दा एटीट्यूड है केंद्र दा रवैया है कि एक पासे तुसी माल गड्डियां नहीं चला रहे जे चलाउणियां ने तो तुसी कहने हो कि असी पैसेंजर गड्डियां नाल चलावांगे एदां किसानां दी नहीं सुनी जाऊगी ये असी डिसाइड करांगे सो जिहड़ी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है उहदे विच गल्लबात वो किवें एक सार्थक माहौल दे वल जांदी है जे पहले ही आपां इहो जिहा एटीट्यूड अपनाया होया कि तुसी इह गल कीती मिनिस्टर्स दे नाल जिहनां नूं मिल के आए हो जी जी जिहड़ी मिनिस्टर नाल गल होई ना जी तो उन्होंने गल कही कि रेल गड्डी असी अगर रेल गड्डी चलाने को तैयार नहीं असी चलाने को तैयार है गया पर की है कि हालात पंजाब दे विच सारे जिहड़ा स्टाफ है रेलवे का ड्राइवर है और है जो भी उहदे हैगे वो सारे महसूस करदे आ साडी सिक्योरिटी ते नाल ही सुनो मैं दसदा तुसी ते महसूस करदे होंगे कि की उहदे च कोई इनसिक्योरिटी हैगी है तुसी दसो तुसी इन्ने चिर दे किसानां नाल गल्लबात कर रहे हो तुहानूं लगदा है कि उह चीज़ इनसिक्योर है या कोई रेलवे दे ड्राइवर नूं कोई कुछ कहेगा या स्टाफ नूं कोई कुछ कहेगा जे किसी के मन च डर हो जाए तो डर निकलना बड़ा औखा है जो किसी का डर ही हो जाए असं कही नहीं नहीं वो गल नहीं हैगी मन च डर बैठ जाए ना जी वो बड़ा मतलब सरकार भी तो सिक्योरिटी गल एक मेरी प्रार्थना देखो गल सुनो मैं तुहाडे राही अज प्रार्थना कर देना सारे किसान जथेबंदियां सब कुछ हाथ दे विच आता किसान जथेबंदियां दे हैगे गल हो जानी है गल ए नहीं रुकनी नहीं ते उन्होंने प्रार्थना है कि हरी झंडी दे के ट्रेना सारिया चला देन अज अगर पैसेंजर गड्डी की गल है तो वो देखो बड़े बंदे का नुकसान नहीं हो रहा गरीब का नुकसान है ना जी पैसेंजर के बिच एक मेरे फाजिलका तो या मेरे हबोर तो 100 रुपए के बिच पटियाले आंदा है
ਉਹ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ माल गड्डी हो रही है और आप टीवी के माध्यम पता लगता ना जी एक गड्डी आ रही है एक बच्चा खड़ा है मैं नहीं जान दिंदा रोको इतने गड्डी रुकी रही कि नहीं रुक रही मेरे बंदे आएंगे फिर गल करांगे या माल गड्डी जो चलानी हो कभी कोई माल गड्डी हो और ऐ की किसी निशानी है कि अडानी दी आ रही है या अंबानी दी आ रही है या सरकार दी आ रही है ये गल्लां कित्थे जा रही है तो ये मेरी प्रार्थना तुहाडे राही है कि जे कहिंदे मतलब प्रेशर या दबाव वो तो सारे किसानां दे दबाव नूं प्रेशर नूं मन गए भी इन्ना लंबा संघर्ष और इन्ने ताकतवर संघर्ष कोई नहीं और कदे नहीं होना तो साडा एक बारी असीं जे किसे तुसीं मानदे हो और ज्यादा प्रेशर बनाने की होंगे अगर किसी चीज खिंचांगे तो आफ्टर ऑल स्टेज टूटने की आ जाती है ना जी टूटने तो पहला पहला बंदा सांभ ले रोब ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ पिछले दिन जो चर्चावां आईयां कि तुहाडी आला कमान ने कहा कि किसानां नूं इहदे फायदे समझाओ किसान फायदे समझना नहीं चाहते तुसीं खुद उदाहरण दित्ती भी जे तुसीं किसी बच्चे नूं कुल्फी दिंदे हो ते उह कहिंदा मैं नहीं खाणी पसंद नहीं आ फिर घटो घट ओदी गल ते मननी चाहिदी है जे आपां नूं ओदे फायदे ही गड़ाई जावांगे फिर किवें ओ गल होगी मसला सिरे लग देखो गल होगी मेरी राय और है एक राय और है दो भरावां दा झगड़ा हो जांदा है झगड़ा हो जांदा दो भरावां दा ते आपां कह दिए तुसीं चलो बैठ के तुहानूं फैसला कर लो मैं एक राय दिंदा कि किसान जथेबंदियां और सेंटर सरकार पंजाब दे विच जिहड़े कुछ समाज सेवी लोग ने जिहड़े मीडिया दे विच अच्छी गल करन वाले लोग ने जिन्हां दे पंजाब दे लोकां दे विच असर और सच्ची गल करदे ने इह जे पंज बंदे किसान जथेबंदियां चुन लैण यानी इह जे पंचायत विच बिठा लैण अगर कोई कमी पेशी होए अगर गल उखड़दी दिखे तो ओह उहनूं सैट करन वाले बंदे होने चाहीदे है मेरी प्रार्थना है मेरी राय है मेरा सुझाव है इहदे बारे कोई की कहिंदा है तां मैं किसान जथेबंदियां नूं वी इह कहिणा चाहुंदा कि तुसीं जिन्ना जाओ जाओ अब तो मन मुटाव किन्ना कहना मतलब है कोई एग्रीकल्चर माहिर खेती माहिर या इस तरीके दे इंटेलेक्चुअल्स जिहड़े संघर्ष दे विच समाज सेवी लोग बड़े ने जिन्हां नूं किसे नाल कुछ नहीं लेना देवता स्वरूपी इंसान होंदे ने जिहड़े समाज दी सोचदे ने इह जे कोई पंज बंदे पंजाब च नहीं मिलणे ओह पंज बंदे विच पै जाण सरकार सेंटर सरकार दे नाल राजनीति पार्टी दा कोई बंदे नूं ना लिओ राजनीति पार्टी किसे बंदे नूं ना लिओ ओह समाज सेवी पंज बंदे सेंटर सरकार दे और किसान यूनियन दे बिचाले बह जाण आओ जी गल है सो हुण कदों तक मीटिंग दी पॉसिबिलिटी बनदी है इहदा देखो इहदा साडे वल्लों खुल्ले उहनां दे कहे साडे वल्ले खुल्ले बो अज रात नूं 12 बजे बैठना चाहे बैठ तैयार बैठे हो तां हुण ते जथेबंदियां ने भेजणा जथेबंदी जदों कहणगे चिट्ठी पर उहनां नूं इनवाइट आऊगा तां उस तों बाद ना तैयार बैठे असीं तां दोनों हत्थां नाल अक्खां दी पलक बिछाए बैठे आं भी इह तारीख दस्सण असीं मंगा के देईए और मैं राजेवाल साहब नूं आप ही गल कीती राजा साहब बहुत हो गया अज टेलीफोन है तुसीं एक घंटे ते आप दी करके अज ही दस दो दिल्ली असीं बैठे अज चिट्ठी असीं ले ही आने आ मतलब पंजाब च बहुत हो गया 45-50 दिन बहुत होंदे ने मेरा एक सवाल है ज्ञानी साहब तुहाडी पंजाब दे विच वी लीडरशिप हैगी है सीनियर लीडरशिप तुहाडे प्रधान ने एक सवाल वार वार पिछले दिनों दे विच वी चर्चा जा रहा है कि सुरजीत जैनी होरां नूं क्यों आगे अगे झंडा चकना पिया बाकी लीडरशिप की कर रही है कि ना कि बाकी लीडरशिप की कमी नहीं लगती थोनू या उन्हां दी कोताही नहीं लगती कि जे इन्ने दिनों दे अज आपां इन्ने दिनों बाद गलबात कर रहे हैं जे पहले ही इहनूं सॉर्ट आउट करन दी कोशिश कीती हुंदी
देखो कमी रही है मानते हो? मैं कमी नहीं मानता। देखो गल सुनो, जो संघर्ष चालू होया साडे प्रधान अश्विनी शर्मा जी ने उदों 8 मेंबरी कमेटी साडी बनाती और असी गल करनी शुरू करती। देखो गल सुनो, असी शुरू करती, असी राजनीति होने करके असी किसी नूं दोष दे नहीं सकते और देना साडे वास्ते उचित भी नहीं है। असी इन्हां नाल गल कीती सारिआं नाल, इह कहिंदे जथेबंदियां कहिंदी कि सरकार नाल गल करनी है। मैं एक गल और प्रार्थना करनी चाहता भी तुसी सरकार नाल गल करनी है तो सरकार दे घर घेरो। भारतीय जनता पार्टी दा वर्कर दा की कसूर है? तुसी भारतीय जनता पार्टी वर्कर नाल गल भी नहीं करनी, तुसी कदे पार्टी नाल गल नहीं करनी। जे साडे वर्करां दा, साडे जिला प्रधानां दा, साडे नेतावां दा तुसी घर घेरना है तो सानू नाल लियो। तुसी सानू बजांदे क्यों फिरदे हो? सानू नाल लियो, और तुसी नाल नहीं लेना व्यापारी मजदूर कोई नाराज हो। अच्छे वास्ते कम करदे आ और अच्छे वास्ते सानू पता है कि कुर्सी जिहड़ी है ना इह लोकां ने देनी है, कोई उत्तों नहीं आनी, कोई राज तिलक नहीं होना। तो लोगों ने जो कुर्सी देनी है, असीं लोगों के हित की गल करनी है, हमेशा करते आए हैं। ठीक है, कोई गल असीं कह दी गल उल्ट हो जाती है। जो विरोध की गल करिए तो मैं एक गल होर कह देना चाहना कि जो कंबाइन आई सी, मशीन आई सी ना कंबाइन कण कट्टण वाली, वह मैं पता है खेती का जो मैं करता सीगा उदों मजदूरों ने विरोध किया सीगा। एक दो कंबाइना साड़ भी दीतियां भी एक कंबाइन आ गई तो असी मजदूर कितने जावांगे? अजो कंबाइन ना ही होंगी कि असी अड़ी कट सकते सी। मैं मेरे पिंड की गल करदा, मैं बचपन छोटा जिहा सीगा, साढ़े पिंड सड़क बननी सी 4 किलोमीटर कल्लू नूं, साढ़े बुजुर्गों ने विरोध किया भी असी सड़क नहीं बने पत्थर। मेरी सुन लो गल, एक गल मैं सुन लो, अगले दिन अज फायदेमंद हो सकदे आ नहीं, मेरी पहले गल सुनो तुसी। साडे बुजुर्गों ने विरोध किया भी असी सड़क नहीं बन देनी, साडे फायदे की नहीं है, सड़क फायदे की नहीं है। देखो वक्त की गल होंगी, वक्त ने चैन जाना गल उन्हें। तो किसी ने पूछा, डीसी होंगे साढ़े उत्ते, उन्हें पूछा तोरी साहब क्यों नहीं बन देनी कि भी सड़क बन गई साडे डंगर चोरी हो जाएंगे तो असी पैर कितने टकांगे? उस टाइम की यह गल सी। तो इसे तरह कोई भी नया काम जो आता ना जी, तुहाडे हिसाब नाल किसानां दे खदशे जायज ने? जो कह रहे हैं कि सानू बिल चा चीजा नहीं मंजूर तो उहदे च बदलाव होना चाहिए। नहीं देखो बदलाव, देखो किसान जथेबंदियां सारे समझदार बंदे ने, मैं मानदा, मैं उस चीज का नहीं करता। असी तो आप बंबल गुस्से पे हो, सरकार कहती है बनाया जिन्होंने, असी एक तो मानते हैं कि उन्होंने नीयत माड़ी नहीं सी, माड़ी नीयत करके नहीं बनाया, उन्होंने नीयत साफ अच्छा करके बनाया। तो थले आके वह काला कानून या लोगों वास्ते एक फंदा बन गया, समझ ना कि वह अच्छा कहते ये माड़ा कहते, पूरा पंजाब बंबल गुस्से पे हुआ है। आखिर है कि इनू स्पष्ट समझाण वास्ते या तो मीडिया होवे, एदे वास्ते डिबेट होवे, डिबेट दे विच पूरे बुद्धिजीवी और बिठा के गल नू कीती जावे की है। चलो इन्नी गल हो सकती, अज जिहड़ी है किसान जथेबंदियां नू कहिंदा मैं प्रार्थना, चलो तो लंबी गल है, पर वो तो कहिंदे आ वी असी तां वापस कराउणे आ। देखो वापस जिहड़े बयान उहनां दे लगातार आ रहे, इक गल सुणो वापस की गल करते, एक कानून खाली कोई पंजाब वास्ते नहीं है, एक कानून पूरे हिंदुस्तान वास्ते है। बाकी 28 सूबे पूरे पंजाब दे विच, अपने हिंदुस्तान दे विच 28 सूबे है। तो वह चलो तुसी वापस की गल ना करो, तुसी इहदे विच आपां जिहड़ा आपां नूं कोई नुकसान चीज कर रही है आपो पासे कराइए। अज सेंटर तैयार बैठा है और उस दे अलावा अज किसान जथेबंदियां चाहण तो बड़ा कुछ किसानों का इहदे विच फायदा हो सकता, अच्छी अच्छी राय जकी वो रखी जा सकती है, वो राय रखनी चाहिए है। कृषि नीति बने, अज अगर फसल का दाम नहीं मिलता तो उसका कारण है कि फसल ज्यादा हो जाती है, जिहड़ी चीज ज्यादा एक्सेस हो जाती है। हुण तो हिसाब नाल जिहड़ी तुसी पूरी गलबात दिल्ली जाके करके आए हो, हुण उहदे हिसाब नाल कुछ सिट्टे लगू या नहीं लगू, या इसे तरीके नाल पंबल भूसा चलता रहेगा? देखो सेंटर दे वल्लों कोई कमी नहीं है और जथेबंदियां नूं मैं कहता भी ये सारे आपकी राय कर लेण, कुछ मतलब 30 बंदियां दी पंचायत जिथे होंदी है ना उत्थे अपनी अलग अलग सोच, आपां जे 10 बंदे करिए ना जी ते मैं अजकल जशन करे अगर ना करे कार लेनी हो ना जी तो करदे बच्चों के विच लड़ाई हो जाती है। छोटा जिहा बच्चा कहिंदा वह कार लेनी है, वह कहिंदा वह कार लेनी है, फैसला 10 बंदे जदों करे रल जाण तां बड़ी मुश्किल नाल हुंदा है। ताई तुसी विच तीजी धिर लियाउण दी गल कर रहे हो? ताई मैं करदा ते आ जे बहुत ही अच्छा होएगा, मेरी राय है। ठीक है, मैं कोई मेरी अपनी गल करना ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ
तो इस तरह की राय मैं चलो बहुत बहुत धन्यवाद जानी साहब तुम साढ़े नाल समा कढ़िया गलबात करन दे लई। तां सुरजीत जानी इन्होंने कोशिश की है पिछले दिनों दे विच जो पार्टी दे विच जो माहौल सी शरेआम बेबाकी नाल गल्लां भी कईयां और कोशिश भी की और हुण एक बार फिर मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्रियों के नाल। अगले दिनों पूरी उम्मीद है कि किसानों के नाल बैठ के टेबल टॉक हो सकती है और अगे फैसला जिहड़ा है किसान जथेबंदियां हुण किस तरीके नाल लैंदियां ने ये देखना होएगा। फिलहाल इस गलबात दे विच इन्ना ही मैनूं दिओ जा।